हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ के चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं और यहां पर हर एक एक्सरसाइज में कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए गए हैं। तो पहले वो जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग समझ लेंगे थोड़ी देर में और फिर उसके प्रॉब्लम्स को एक एक करके सॉल्व करेंगे। सो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर है इसका मैं यहाँ पर पूरा आउटलाइन तैयार कर दिया हूँ कि कैसे हम लोग कवर करेंगे। सो स्टेप 1 जिसमें कि एक्सरसाइज 4.1 कवर्ड है, इसमें हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और किसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण के रूप में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे समझेंगे। स्टेप 2 जिसमें कि एक्सरसाइज 4.2 है, उसमें हम लोग समझेंगे कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो पहले में हम लोग जहां समझेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, सेकंड स्टेप में उसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे और पहला जो सॉल्यूशन करने का मेथड होगा वो फैक्टराइजेशन मेथड होगा जिसमें हम लोग समझेंगे कि हाउ टू फैक्टराइज एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू टू लीनियर फैक्टर्स, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो लीनियर फैक्टर में कैसे तोड़ते हैं, पहला चीज समझेंगे। सेकंड समझेंगे कि कोई पर्टिकुलर नंबर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसे सॉल्यूशन है, ये इसी फैक्टराइजेशन मेथड में ही हम लोग जानेंगे। स्टेप 3 जो है उसमें हम लोग देखेंगे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो उसको स्क्वायर के रूप में कंप्लीट करके कैसे होता है। सो सॉल्यूशन निकालने का एक स्टेप ये है, एक मेथड ये है और दूसरा मेथड ये होगा। और लास्ट जो स्टेप 4 है जिसमें कि आपका एक्सरसाइज 4.4 कवर होगा, उसमें जो हम लोग रूट्स निकालेंगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन निकालेंगे, एक्स का जो वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो निकालेंगे, उसमें हम लोग जानेंगे कि इक्वेशन को देखकर कैसे बोल पाएंगे कि रूट मेरा रियल होगा, इमेजिनरी होगा, इक्वल होगा या फिर अनइक्वल होगा। सो आइए पढ़ते हैं। यदि आपको इसमें कुछ भी नहीं आता है तब भी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप ये पूरे वीडियो को देखने के बाद आप इस चैप्टर में बिल्कुल मास्टर हो जाएंगे। सो फर्स्ट हम लोग एक्सरसाइज 4.1 के बारे में देखते हैं और एक्सरसाइज 4.1 में मेरा जो थीम है, जो मेरा कंसेप्ट है वो है व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाउ एन इक्वेशन इज आइडेंटिफाइड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और किसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन अ वेरिएबल एक्स इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी वेरिएबल एक्स का यदि है तो वो किस फॉर्मेट का होगा, वो फॉर्मेट होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और ए बी सी जो है वो रियल नंबर होना चाहिए, ए बी सी इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए। अब इमेजिनरी नंबर क्या है इसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, मीन्स कि ए बी सी कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 2/3, स्क्वायर रूट 2 कुछ भी हो सकता है, ये रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, बस ये कंडीशन होना चाहिए कि ये रियल नंबर होना चाहिए। और जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या कि a नॉट इक्वल टू जीरो, a जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे आप a जीरो के बराबर कर दोगे, सपोज करो मैं बोलता हूँ a इज इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन चेंज हो जाएगा, जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ये हो गया आपको बी एक्स प्लस सी। तो बताओ ये जो बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है वो क्या स्क्वायर का टर्म इसमें है? नहीं, देखो इसमें स्क्वायर का टर्म नहीं है, इसमें एक्स का मैक्सिमम पावर 1 है। सो मैं बोलूंगा इसमें क्या है, मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, और इस टाइप के इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। So, जब x का पावर 1 होता है तो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, और x का पावर 2 यदि रहे मैक्सिमम तो उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो कोई भी इक्वेशन जिसमें कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे कोएफिशिएंट। सो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यदि आपको 0 के बराबर नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। और इसमें ध्यान देने वाली बात एक और है कि आप देखो कि मैक्सिमम जो एक्स का पावर होगा वो 2 है, ठीक है। यदि आप सपोज करो कि बोलते हो इक्वेशन ऐसा ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ऐसे बोले तो एक्स का मैक्सिमम पावर क्या हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर हो गया आपको 3, सो मैक्सिमम पावर जब 3 होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग क्यूबिक इक्वेशन।
सब ध्यान दो, यदि मैक्सिमम पावर वन होता है जैसे यहां पर है तो उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन, मैक्सिमम पावर दो होगा तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो मैक्सिमम पावर टू ही रहे इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जीरो के बराबर नहीं हो और उससे हायर पावर का कोई टर्म ना हो, ठीक है। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ गए। अब क्या है कि इस इक्वेशन को किस फॉर्म का लिख सकते हो, देखो आपने इक्वेशन बोला एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस ये क्या है एक्स पर डिपेंड कर रहा है, एक्स चेंज हो रहा है तो ये भी चेंज हो रहा है, सो आप इसको पी एक्स के बराबर मान सकते हो। ऐसा ये जो इक्वेशन है जो एक्स पर डिपेंड कर रहा है, सो ये फंक्शन ऑफ एक्स हो गया और ये हम लोग इसको पी एक्स बोल दिए, जहां पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री टू, ये क्या कहलाता है, ये वाला आपको डिग्री कहलाता है। सो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री टू इज कॉल्ड एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको एक चीज और है कि इसमें कुछ कुछ ऐसे ऐसे इक्वेशंस होते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आएगी, सो मैं वहां पर इक्वेशंस लिख देता हूं। पहला होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो आपको पता है होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। सेकेंड होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। देन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिसका वैल्यू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर आता है ए प्लस बी का होल क्यू, देखो इसको कैसे निकालोगे, लिखोगे ए क्यू लिख दो प्लस बी क्यू लिख दो प्लस थ्री इंटू ए बी लिखो इंटू ए प्लस बी। वैसे ही ए माइनस बी का होल क्यू लिखना हो तो क्या लिखोगे, ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस थ्री इंटू ए इंटू माइनस बी इंटू ए माइनस बी। देखो मैंने क्या किया, बहुत आसानी से लिख दिया, देखो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी। सो एग्जामिनेशन के लिए रटने की जगह आप इस फॉर्मेट में भी याद रख सकते हो, प्लस रहेगा तो ए क्यू बी क्यू प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, माइनस रहेगा तो क्या होगा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो इसी सब का यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे। सो आइए एक एक करके हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और पहला इक्वेशन दिया गया x प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू इंटू एक्स माइनस थ्री। सो आप इसको लेफ्ट साइड को पहले एक्सपेंड करो और राइट साइड के इक्वल करो, तो लेफ्ट साइड हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स, ये हो गया, और राइट साइड में हो गया टू एक्स माइनस टू इंटू थ्री। सो ये हो गया एक्स स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, सो एक्स स्क्वायर प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो। अब आप देखो कि यदि मैं इसको जनरल जो मेरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से करोगे कंपेरिजन, तो ए का वैल्यू कितना आया वन, जो कि जीरो के बराबर नहीं है, ठीक है। यहां पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जीरो नहीं है, सो ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब यदि आपको ऑब्जेक्टिव में ये प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है तो आप ध्यान दिया करो कि क्या एक्स स्क्वायर का टर्म एक ही तरफ है या दोनों तरफ है। लाइक यहां पर देखोगे, सो मैं इसको फास्ट मेथड यदि ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करना रहा तो आप कैसे सॉल्व करोगे कि चेक वेदर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन एल एच एस एंड आर एच एस बोथ आर सेम, ठीक है, बोथ सेम है या नहीं है। सपोज करो कि ऐसा होता है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस थ्री, तो आप देख लोगे इधर भी एक्स स्क्वायर का आ रहा है और इधर भी एक्स स्क्वायर का आ रहा है, दोनों का कोएफिशिएंट वन वन है, इक्वल है एल एच एस में और आर एच एस में, तो ये बोल लोगे कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो नहीं भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, समझे, आप यदि ऑब्जेक्टिव के लिए सॉल्व करना हो तो। लेकिन यदि आपको सब्जेक्टिव के लिए सॉल्व करना हो तो आप पहले आप लिखोगे कि ऐसे लिखोगे एक्सपेंडिंग बोथ साइड, एक्सपेंडिंग बोथ साइड्स, और फिर यहां पर ऐसे लिखोगे और फिर लिखोगे कंपेयरिंग इट विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन, विथ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ए इज इक्वल टू वन नॉट इक्वल टू जीरो, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समझे, एग्जाम में आपको ऐसे बनाना है। सो आई थिंक ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया हो, कहीं से डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं।
और जो सेकंड प्रॉब्लम है वो है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस टू इंटू थ्री माइनस एक्स. सो पहले हम लोग इसको एक्सपेंड करते हैं और तब देखते हैं. एक्सपेंडिंग बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा माइनस टू इंटू थ्री डेट इज माइनस सिक्स और माइनस माइनस प्लस टू एक्स. सो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो. अब इसको कंपेयर करो, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड. देखो मैं ये लिख रहा हूं इसलिए केवल क्योंकि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है वो मैं बताने के लिए. अब अगले प्रॉब्लम से मैं इसको इतना लिखूंगा नहीं, मैं आपको सीधे बता दूंगा. क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ए इज इक्वल टू वन नॉट इक्वल टू जीरो. सो इम्प्लाई डैट इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो. सो इक्वेशन वन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वन इसको मानो या इसी को मान लेना वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, ऐसे करके लिखेंगे. मैं इसका आपको देखना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या जीरो के बराबर है या नहीं. सो यहां पर ये नहीं है, सो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा.